नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जो कल हमारे साथ लाइव में जुड़े, अच्छी चर्चा हुई। और आप भी हमारे साथ अच्छी चर्चा कर सकती हो, सुबह 11 बजे हर बुधवार में लाइव आता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि दो चार दिन पहले हमने जिस चीज का अनुमान लगाया था लगभग वो आज होने को दिख रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे आज के आलू के ताजा भाव के कहां रही तेजी, कहां रहा मंदा। वैसे दोस्तों मार्केट में लगभग दबाव देखा जा रहा है और कुछ जगह मार्केट अभी स्थिर बने हुए हैं और कुछ जगह डाउन है, लेकिन कुछ जगह अभी जो तेजी की हालत है वो कम देखे जा रहे हैं मार्केट में, अभी ये स्थिति है। और दोस्तों देखो, बारिश की बात करें तो अलीगढ़ में आज सुबह बारिश पड़ी थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था, धान दिखाए थे, लाइव दिखाया था, मैं खेती तरफ गया था जब। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, यूट्यूब में जाके कम्युनिटी में जाके चेक कर सकते हो, मैंने वोटिंग के लिए आपको दिया है कि अब तक कितने परसेंट यूपी में निकासी हो चुकी है, वहां पे जाके आप वोट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन दिया था दोस्तों, आलू कितने से लेके कहां तक जा सकता है, इसके बारे में नीचे आप वोट कर सकते हो, वहां पे जाके अपना जो अच्छा लगे आप बता सकते हो। वो मैंने आपको YouTube में दे रखा है, कम्युनिटी में जाना, जहां फोटो वोटो में डालता हूं वही आपके लिए वही मिलेगा ये। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो मैं आपके लिए बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपके दिल्ली के आज के ताजा भाव सबसे पहले बताऊंगा, उसी से वो बात रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आज के दिल्ली के क्या भाव रहे। और देखिए दोस्तों, दिल्ली में थोड़ी गिरावट क्या, 50 रुपए तक की गिरावट देखी जा रही है और हर तरह के आलू पे गिरावट देखी जा रही है। और दिल्ली में दोस्तों इस समय गाड़ी की बात करें तो लगभग 140 के करीब गाड़ी है वहां पे लगभग बताया जा रहा है, और 22 गाड़ी दोस्तों बेलेंस बताया जा रहा है, यानी गाड़ी इतनी ज्यादा है वहां पे, बहुत ज्यादा गाड़ी है, यानी 40-50 गाड़ी तक ज्यादा हुई है आज, बहुत दिनों बाद इतना मतलब देखा गया। अब इसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि दोस्तों एक साथ आलू पे 50 रुपए तक की गिरावट करना। और दोस्तों 37 आलू की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि 800 से लेकर 850 बीआईपी आलू देखा गया सूखी क्वालिटी का, और जो गीला और थोड़े लो क्वालिटी के आलू होते हैं वो 750 से 800 रुपए ही है। और जो कि दोस्तों 37 वहां 900-950 रुपए तक था, लेकिन आज 850 रुपए से ऊपर नहीं है। अब सूर्य आलू की बात करें तो वो 1000 से 1200 रुपए है, और लमसम यही रेट अभी फिलहाल चल रहा है, जो अच्छी क्वालिटी का वो 1200 या कुछ पैकेट बिके जाते हैं सुबह अच्छी क्वालिटी के 1200-1250 रुपए। और दोस्तों चिप्सोना की बात करें 850 से लेकर 900 रुपए, और तुम्हारे चड़ौसी वाला जो चिप्सोना की बात करें वो 900 से 1000 रुपए, जो कि दोस्तों ये 1100 रुपए तक भी देखा गया था चड़ौसी वाला 1050 तक, लेकिन आज के रेट वो नहीं है। अब दोस्तों एलआर की बात करें तो एलआर बिक रहा है दोस्तों, पंजाब का एलआर गया है, जो कि बिक रहा है 800 से लेकर 850 रुपए पैकेट, जो शुगर फ्री होता है, और ज्यादा पीआईपी है दोस्तों वो 900 रुपए तक भी बिके हैं। तो ये दोस्तों दिल्ली में आज जो ज्यादा आवक हुई है, यानी ज्यादा जो गाड़ी पहुंची है, इसको मैं आपसे सीधे वही जोड़ना चाहूंगा कि 3-4 दिन पहले हमने यही संकेत लगाया था कि व्यापारियों के पास भी माल ज्यादा हो सकता है, इस कारण वो अपना आलू यानी जो हमारा आलू है वो ना खरीदना चाह रहे हो सही रेट में। और आपने आज देख भी लिया कि दिल्ली में इतनी एक साथ गाड़ी जाने का मतलब क्या है, जबकि दिल्ली में कोई ऐसा तो संकेत था नहीं कि दिल्ली में मतलब कल को तेजी हो जाएगी, ऐसा कोई संकेत तो था नहीं, लेकिन व्यापारियों को किसी माल निकालना ही पड़ेगा, यही कारण है कि जो कि आज दिल्ली में काफी ज्यादा गाड़ी पहुंची है। और केवल 22 गाड़ी बैलेंस है, लेकिन और दिन तो दोस्तों 40-40 गाड़ी बैलेंस रहती थी, लेकिन केवल आज 22 गाड़ी बैलेंस के बावजूद भी आज 140 की गाड़ी करीब देखी जा रही है, लगभग 2022 में सबसे ज्यादा ये गाड़ी आज देखी गई है। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा चिंताजनक कहानी है। तो दोस्तों अभी देखना यही है कि व्यापारियों के पास जो माल है वो कितनी तेजी से सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में जो डिमांड है वो इतनी नहीं है जितना एक साथ माल को भेजा जा रहा है। जबकि इसके संकेत में आपको बताऊं, जब हमारी मतलब निकासी नहीं हो रही है अच्छी तरह, फिर भी इतनी गाड़ी कैसे पहुंची है, इसका कारण यही है कि व्यापारियों के पास माल ज्यादा था, ये अब सीधे संकेत लग रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपने कोल्ड में स्टडी करते रहिए कि कितने परसेंटेज माल अभी बचा है, और बाकी हम जुलाई की जो निकासी की रिपोर्टिंग है वो आपको जुलाई खत्म होते ही दे देंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये तो आपको संकेत मैंने बता दिए, अब आपको दोस्तों हर कदम पे अपने आलू को सतर्क रह के ही बेचना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों अपना आलू जो हमें बेचना है वो दिमाग का यूज जरूर करना है, सतर्क होकर आलू को बेचना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और घबराहट में आलू बेचने की कोई कोशिश ना करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के समस्तीपुर में तो वही रेट चल रहा है 1400 से लेकर 1450 रुपए क्विंटल, जो कि इसमें भाड़ा वाड़ा सब कुछ इंक्लूड होता है। और उज्जैन मंडी की बात करें मध्य प्रदेश की, वहां पर चिप्सोना आलू 14 से 17 रुपए किलो, और ज्योति आलू बिक रहा है 12 से 17 रुपए किलो, और एलआर बिक रहा है 13 से 16 रुपए किलो। अब दोस्तों सीधे हम बात करेंगे पानीपत मंडी की बात करेंगे, जो कि हरियाणा में पड़ती है, कि वहां पर चिप्सोना आलू 1950 से लेकर 1020 रुपए, यहाँ पर 23 रुपए की गिरावट आज देखी गई है। और 37 आलू दोस्तों 750 से लेकर 850 रुपए, वो रेट वही चल रहा है। और पुखराज आलू भी 700 से 800 रुपए, वहां वही रेट चल रहा है।
तो दोस्तों मैं आज आपके लिए भाव जल्दी बताऊंगा। तो कोलकाता की बात करें तो वहां पे दोस्तों 900 से 1050 रुपए ही आलू अभी चल रहा है। और मेदिनीपुर में दोस्तों पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पुखराज आलू 16 से 18 रुपए किलो और ज्योति आलू 18 से 20 रुपए किलो बिका है। और मथुरा मंडी में दोस्तों 21 से 26 रुपए किलो, जो कि कल भी वही रेट था आज भी वही रेट है। अब दोस्तों बैटूपालम मंडी की बात करें तो आगरा का बिक रहा है 900 से 1100 रुपए पैकेट और गुजरात का बिक रहा है 980 से लेके 1150 रुपए पैकेट और इंदौर का बिक रहा है 1000 से लेके 1100 रुपए पैकेट। ये 45 किलो की तौल है दोस्तों। और अब यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों हम कन्नौज की बात। कन्नौज में दोस्तों 500 से लेके 720 रुपए आलू बिक रहा है, 50 केजी की तौल है ये। और प्रयागराज में दोस्तों, अब दोस्तों कन्नौज की बात करें तो ये बिक रहा है 500 से लेके 720 रुपए पैकेट। और प्रयागराज की बात करें तो 720 से लेके 850 रुपए पैकेट। और अलीगढ़ की बात करें तो 700 से लेके 850 रुपए पैकेट, यहाँ पे भी 20-25 रुपए की गिरावट देखी गई है अलीगढ़ में। सूरत की बात करें तो दोस्तों 650 से लेके 1000 रुपए पैकेट, यहाँ 20 रुपए का थोड़ा चढ़ाव देखा गया है। और बेंगलोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 800 से लेके 1250 रुपए पैकेट, यहाँ पे भी लगभग 40-50 रुपए की गिरावट सी देखी जा रही है। रांची की बात करें दोस्तों 800 से लेके 850 रुपए पैकेट। और इंदौर की बात करें दोस्तों 600 से लेके 950 रुपए पैकेट। और पटना की बात करें तो 800 से लेके 900 रुपए पैकेट। और दोस्तों मुंबई की बात कर लेते हैं तो 850 से लेके 1150 रुपए पैकेट। और पुणे की बात कर ले दोस्तों तो पुणे मंडी में दोस्तों 800 से लेके 900 रुपए पैकेट, यहाँ 25 रुपए की गिरावट देखी गई है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो वहाँ 1000 से लेके 1150 रुपए पैकेट बिक रहा है। और चेन्नई की बात करें तो 1100 से लेके 1200 रुपए पैकेट। और जयपुर की बात करें तो 650 से लेके 850 रुपए पैकेट। कोलकाता की बात करें और दोस्तों फरुखाबाद की बात करें तो 650 से लेके 700 रुपए पैकेट देखा गया है। अब दोस्तों साउथ में तो जो गिरावट थी वो लगभग वहीं पे अभी दो दिन से स्थिर है। लेकिन आपको एक सीधी बात बता दूं, अब दिल्ली सबसे ज्यादा लोगों की टेंशन बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में इतनी ज्यादा आवक होने का कारण यही है कि माल ज्यादा व्यापारी के पास टिका रहना, क्योंकि किसान ने तो इतना माल एक साथ अभी बेचा नहीं है, जो इससे ज्यादा तो निकासी हमने बहुत पहले कर दी है। और दोस्तों आपको सीधे सीधे यही लग रहा है कि इस समय डिमांड की थोड़ी कमी देखी जा रही है, इस वजह से दोस्तों ये माल भी है ना थोड़ी गिरावट की ओर देखा जा रहा है, जबकि इससे भी ज्यादा हमने निकासी की है लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों अब निकासी धीरे धीरे थोड़े रेट बढ़ने पर ही थोड़ी सुधरने के चांस लग रहे हैं, फिलहाल तो निकासी धीमी ही रहेगी क्योंकि हर कोई किसान अपने डाउन माल में नहीं बेचना चाहेगा। लेकिन जिन लोगों को देखो जरूरत है वो अपना बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आलू का दोस्तों भविष्य कोई नहीं बता सकता है। आपको हर बात और हर पहलू पे नजर बनाए रखनी होगी और हर मौके पे आपको आलू बेचना ही चाहिए, जिससे आपका एवरेज जो अच्छा रहे। तो दोस्तों अब यहां से आपके लिए यही सतर्क रहना है कि अपने आलू पर नजर ऐसे बनाए रखनी है कि कब आपके पास 10-20-50 रुपए का उछाल आ जाए, कब वो अगले दिन गिर जाए, तो आपको पूरी नजर बनाए रखनी है। वैसे तो आपको संकेत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं आगे के लिए बताऊं कि आपके पास अब वो टाइम नहीं है कि आप घर बैठ के ही सारे कुछ जायजा लेते रहो। और दोस्तों अब आगे की बात करें तो आगे का दोस्तों यही है कि जो अब हमारे पास टाइम बचा है, इस टाइम में आलू पे हमें चढ़ के रहना चाहिए, यानी सतर्क रहना चाहिए। आलू पे कभी भी 10-20 रुपए का या 50 रुपए का उछाल या गिरावट देखी जा सकती है। तो जब पहले हमारे पास टाइम था तो हम बिल्कुल चिंता से बैठे थे कि उस टाइम बेचेंगे, इस टाइम बेचेंगे, अभी तो बारिश है। लेकिन अब जो टाइम के आधार पर है दोस्तों, अब आपके लिए आलू पे सतर्क रहने की जरूरत है। और अपने दिमाग का यूज जरूर करना दोस्तों, आपको हर किसी की बात में नहीं आना है, अपने दिमाग का यूज करके ही आलू को बेचना है। और आलू के भविष्य के बारे में ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वो इतना रहेगा कितना रहेगा। वैसे मैंने वोट करने के लिए आपको नीचे कल एक मैसेज भेजा है, आप उस पर चाहिए वोट कर सकते हो कि आलू कितना रेट रह सकता है। और कुछ लोग तो अभी भी कमेंट में कह रहे हैं कि 2000 ही जाएगा आलू। लेकिन दोस्तों वो भविष्य की बात है, लेकिन बात हम करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में तो दोस्तों यही है कि निकासी और डिमांड का सारा खेल है। अगर मान लीजिए निकासी सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आलू में, अगर निकासी पीछे चलेगी तो 100% कहीं ना कहीं दिक्कत आने के चांस रहते हैं। स्थिति के आधार पर हमें आलू बेचना चाहिए। और अपनी अगर स्थिति अभी सही नहीं है, डाउन है और प्रॉब्लम है, तो अपने आलू को बेच सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10-20 रुपए का इंतजार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों हमें जो आलू अपना हर मौके पे और सतर्क रह के ही बेचना चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो महीने होते हैं इनमें ही तो सारा खेल होता है आलू को सही बेचने का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।